टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अब बहुत ही कम समय बचा है। 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत का टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड तो बेहद ही शानदार है। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर माहौल काफी गर्माया हुआ है। खैर, हम आपको बता दें कि जो एक तरफा पाकिस्तान भारत को टी20 वर्ल्ड कप में हराने की चेतावनी दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि भारत हमारे सामने खेलेगा, इसीलिए भारत दबाव में है, तो वहीं हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम में इस भारतीय खिलाड़ी का खौफ है। इस भारतीय खिलाड़ी से थर थर कांप रही है पाकिस्तान की टीम। यह हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान टीम से एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। खैर, एक खिलाड़ी का नाम सुनकर पाकिस्तान का यह हाल है, तो जब उनका सामना पूरी टीम से होगा तो उनका क्या हाल होगा, इस बात का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन खैर, आइए जानते हैं आखिर किस खिलाड़ी को लेकर पाकिस्तान में इतना बवाल मचा हुआ है और कैसे पाकिस्तान भारत को हराने की चेतावनी दे रहा है। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी। खैर, वो भारतीय खिलाड़ी कौन सा है जिसे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को हराने की चेतावनी दे रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 17 अक्टूबर से UAE में होने जा रही है, लेकिन ये टूर्नामेंट इस साल भारत में होना था, अब कोरोना वायरस के कारण इसे UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। भारत को इस साल की टी20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के एक ही ग्रुप में होने से दोनों देशों के बीच एक बार फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आखिरी बार 2016 वर्ल्ड कप में मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 118 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए पहले तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को चेतावनी किस तरह से दे रहा है और ये क्यों कह रहा है कि भारत के ऊपर दबाव होगा, पाकिस्तान के ऊपर नहीं। इसी मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। बाबर आजम ने टी20 विश्व कप को अपने आगाज मैच से पहले भारतीय टीम को चेतावनी दी है। बाबर आजम का कहना है कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान भारत को हरा देगा। जी हां, बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले कहा था कि भारत पर दबाव होगा क्योंकि हम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं। भारत दबाव में मैच खेल रहा है। पाकिस्तान की टीम यूएई में खेलने की आदि है और वहां के हालात से पाकिस्तान के खिलाड़ी वाकिफ हैं। हमें अपने शुरुआती मैच में उन्हें हराने का भरोसा है। बाबर आजम ने यह भी कहा कि इंडिया लीग क्रिकेट के बाद टी20 विश्व कप खेलेगी। पाकिस्तान के कप्तान ने आगे कहा कि वे लीग क्रिकेट खेलकर आएंगे और इस प्रकार भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समायोजित करना आसान नहीं होगा। जहां मांग अलग है, भारत के लिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान भारत की लीग यानी IPL को बेकार बताकर वहां से सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना भारत के लिए आसान नहीं बता रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक सिर्फ सिलसिला होगा, इसलिए हमें लगता है कि हम अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में भारत को हराने की बेहतर स्थिति में होंगे। ये कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का। वैसे सपने देखने में कोई दो राय नहीं है। और यही नहीं, पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी ने कहा 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की तरफ भारत को हराएंगे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम सन 2017 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मिली जीत से प्रेरणा लेकर ICC T20 विश्व कप के शुरुआती मैच में चिर प्रतिद्वंदी भारत को हरा सकती है। इसके बाद पाकिस्तान टीम 50 ओवर के मैचों में दो बार भारत से खेली, लेकिन उसे 2018 के दुबई एशिया कप और 2019 में मैनचेस्टर में वनडे विश्व कप दोनों में हार का सामना करना पड़ा। किसी भी वैश्विक प्रतियोगिता से पहले पाकिस्तान खेमे की ओर से काफी बयानबाजी की जाती है। हसन ने बुधवार को कहा, जब हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी तो यह हमारे लिए काफी अच्छा समय था और टी20 विश्व कप में भी फिर से भारत को हराने का प्रयास करेंगे। एक भारतीय खिलाड़ी ऐसा जो इस टूर्नामेंट में विपक्षी टीम के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुदस्सर नजर ने भारत और पाक के मुकाबले के मद्देनजर रखते हुए डेंजर मैन का नाम इस भारतीय खिलाड़ी को दिया है। उनके मुताबिक इस खिलाड़ी की शानदार फॉर्म है जो टी20 वर्ल्ड कप में धमाल मचा सकते हैं। सर नजर ने क्रिकेट पाकिस्तान से कहा, टी20 क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज स्पेशल पारी खेलाता है या कोई गेंदबाज शानदार 2 या 3 ओवर निकालता है तो इसकी अहमियत काफी ज्यादा होती है। इंडिया के बैट्समैन ने जिस तरह से इंग्लैंड में परफॉर्मेंस किया है वो शानदार है। पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने कहा, अगर दोनों टीमों की ताकत की तुलना की जाए तो भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। यहाँ तक कि साल 2017 की चैंपियन ट्रॉफी
ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान ने जीती हो, लेकिन उनका पहला मुकाबला भारत के खिलाफ जो हार गई थी पाकिस्तान, लेकिन फाइनल के दिन पाक ने भारत को हरा दिया। अगर हम भारत के खिलाफ पहला मैच किसी तरह जीत जाते हैं तो हमें अच्छी लय मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल भारत पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। और उन्होंने रोहित शर्मा को भारत का डेंजर मैन बताया है। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जो अकेले दम पर पूरे मैच को पलट सकते हैं। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को थर थर कांपने पर मजबूर कर रहे हैं। खिलाड़ी ने रोहित शर्मा को डेंजर मैन का नाम दिया है। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे मैच को पलट सकता है। अब आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 111 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32 की औसत से 38 की स्ट्राइक रेट से कुल 2,864 रन अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वाधिक निजी स्कोर 118 का रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को हिटमैन का खौफ सबसे ज्यादा सता रहा है। हिटमैन के नाम से ही पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। खैर अब आइए जानते हैं आईपीएल को लेकर पाकिस्तान में बवाल क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल शुरू होने की वजह से तमाम क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर दिया, और अब आईपीएल को लेकर वो तमाम तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इजमा मुल्क ने गुस्से में आकर कहा, पाकिस्तान की टीम जहां भी जा रही है उसे मुख्य खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का मौका मिल ही नहीं रहा है। जब हम अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए भेज दिया, यानी आईपीएल का जब फर्स्ट सीजन चल रहा था तब। पाकिस्तान ने आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए दौरे से बाहर हो गए हैं, यानी पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलेंगे। इस मामले ने कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को सही तरीके से अभ्यास का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे मुख्य खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं खेल पा रही है। आईसीसी क्या कर रही है, वे क्या संदेश देना चाहती है? खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़कर निजी क्रिकेट लीग को महत्व दे रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नीचा दिखाने जैसा है? अगर आप पूरा सीक्वेंस देखेंगे तो ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, ये केवल और केवल पाकिस्तान के खिलाफ होता है कि जब भी आईपीएल होता है पाकिस्तान के साथ में हमेशा उस दर्जे की बी टीम आती है। इजमाम को लगता है कि बड़े खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण पाकिस्तान T20 विश्व कप के लिए अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है। सलमान भट्ट ने कहा, ये सब जानते हैं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के अलावा अन्य सभी क्रिकेटर लीग में हिस्सा लेते हैं। आईपीएल के समय में प्रमुख टीमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलती हैं। अब पाकिस्तान की आईपीएल के दौरान न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज है और 8 न्यूजीलैंड खिलाड़ी पहले से ही आईपीएल में खेलने के लिए सीरीज से बाहर हो चुके हैं। बीसीसीआई के पास ताकत है और वो वर्तमान में क्रिकेट पर राज कर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के सीरीज के बीच में छोड़ने की बात पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को गुस्सा आ गया। साउथ अफरीदी ने एक ट्वीट कर कहा, यह देखकर हैरान हूं कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को बीच सीरीज से आईपीएल खेलने की इजाजत दे दी है। इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है।